खुलो भाई, नमस्ते। मैं अमेजिंग आप सभी लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आ रही हूँ घर की ओर। यह है मेरी 2 साल बाद की पहली ब्लॉग और यह ब्लॉग मैं अपनी मायके से ले रही हूँ। इस समय कटहल का सीजन चल रहा है। इधर एक कटहल घर ही पैदा हो गया। इस गुड़हल को बचपन से ही बकरी लोग खा खा के ऐसा हालत बना दिया कि बड़ा ही होने नहीं देता। ये तितली गुड़हल के रस का आनंद लेते हुए यह चित्रनाला का पौधा, उसको घर के आसपास लगाने से सब घर के आसपास नहीं भटकते हैं। यह है मेरी माँ की बगीचा। यहाँ पे रंग बिरंग फूल फूले हुए हैं। ये देख लीजिए आप लोग इस फूल की खतरनाक कलर को। इस पौधे को मेरी बाबा ने लगाया था, कहीं पे देख के सीखा है वो उसको। यहाँ पे आता है सरकार की तरफ से दिया हुआ पानी। ये देखो शाबाश। घर का काम शुरू करने से पहले मैं पी लेती हूँ एक कप चाय मलाई मार के। माँ के आने से पहले ये सब सारा बिखरा हुआ सामान ठीक करना होगा। यहाँ पे कटहल की गुठली को सब्जी खाने के लिए सुखा के रखा है। यहाँ पे मैं शुरू हो गई अपने काम पे ध्यान देते हुए। घर की बड़ी बेटी हूँ इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही ज़्यादा पड़ती है। मायके में आज मेरा पहला दिन है। 4 दिन बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी और जाने से पहले घर का कुछ साफ सुथरा वाला काम करके जाऊँ। माँ गई है ऑफिस तो आज घर पे है सिर्फ हम 3 लोग, मैं, सिस्टर और मेरी बाबा। घर पे मुर्गियाँ भी है। वो लोग दूसरा जगह छोड़ के घर पे आते हैं हकने के लिए, इसलिए कम से कम 3 बार तो इस बरामदा को साफ करना होता है। खाना बनाने के लिए मैं लेने आ गई पानी। ये है सरसों। मेरे बाबा सरसों धो रहा है ताकि उसके धूल मिट्टी निकल जाए और उसको सुखाएंगे धूप में और यहाँ से तेल निकाल के मैं ले जाऊँगी अपने ससुराल। ये है मेरी मम्मी का किचन। पहले ये मेरा था और अब मेरा शादी हो गया ना, इसलिए ये मेरा नहीं रहा। अब तो मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ इसलिए मेरी माँ बनाती है खाना और कभी कभी पापा भी बना लिया करते हैं। सिस्टर तो हॉस्टल में रहते हैं ना, जब वो आता है तब वो भी बना लेते हैं और ऐसा गंदगी फैला देते हैं और ये मेरी गंदगी साफ करते हुए। तेल की दाग, सब्जी की दाग बहुत जिद्दी होता है, दाग अच्छे नहीं होते। काम करते करते मैं पसीना पसीना हो गई। जल्दी करो, दूसरा काम भी तो दिखाना है। हर रोज साफ करना होता है नहीं तो चूहा कॉकरोच आके किचन में पार्टी करता रहता है। वैसे मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता क्योंकि मैं गाँव की लड़की हूँ ना। नहीं नहीं, अब मैं औरत बन चुकी हूँ। ये है मेरी खाना पकाने की तैयारी। आज की मौसम का ये हाल है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं दे रहा। बिना धूप में आज सरसों कैसे सूखेगा। और यहाँ पे हमारे बाबा सरसों सुखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये रहा प्याज फाव खाते हुए। आज मैं सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ और साथ में दाल भी बनाऊंगी। आज की दोपहर के खाने में सिर्फ यही बनने वाला है।
और ये रहा दाल। ये सोयाबीन और दाल आपस में बातें कर रहा है कि कौन ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक सब्जी हो गया है तैयार। अब मैं गैस पे चढ़ाने वाली हूँ ये चावल। ये है अजगर। जब सामने से शिकार खुद चले आते हैं तो अजगर भी ऐसे ही स्माइल करते हैं। शाम होने वाला है और आज धूप ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए मैं उसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी और कल धूप आने से फिर से उसको निकाल के रख दूँगी। रात के लिए पानी आ गई हूँ लेने और ये रहा मेरे पीछे बदबूदार कालू। मुर्गियाँ और बतख मुझसे खाना मांगते हुए। ये बदबूदार कालू फिर से आ गया मुर्गियों का मुक्का निवाला छीनने के लिए। मेरी खाना खाने के बाद ही दिया था उसको भी दाल के साथ। मेरी लाइफ से जुड़ी ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगी, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गजन थंग, भारत माता की जय।